देव और भाभी के प्रेम में रोड़ा बन रहा था पति। दृश्यम फिल्म देख रची मौत की साजिश। दरियागमना जिला के शांतिवन में एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। महिला के अपने देवर के साथ अवैध संबंध थे। इसका पति विरोध करता था। पुलिस ने महिला व उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान हाथरस यूपी निवासी अनेटा 30 और विजय 28 के रूप में हुई है। दोनों ने बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम से प्रभावित थे। हत्या के बाद राजेश 30 को शांतिवन के पास ठिकाने लगा दिया था। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रणधावा ने बताया कि 23 अगस्त को दरियागमना जिला के से पुलिस को सड़ी गली अज्ञात शव मिला था। उसके जेब में मिले आधार कार्ड और मोबाइल से उसकी पहचान उत्तम नगर निवासी राजेश के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक का CDR निकाला तो पता चला कि वह लगातार अनीता से संपर्क में था। वहीं महिला ने बताया कि घटना वाले दिन राजेश का उससे झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह घर से गांव के लिए निकल गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि राजेश का छोटा भाई विजय उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आता जाता था। पुलिस ने अनीता और राजेश से पूछताछ की तो पता चला कि विजय की पत्नी व बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। राजेश का पूरा परिवार मजदूरी के लिए गया हुआ था। उसी दौरान विजय व अनीता के अवैध संबंध बन गए। राजेश को पता चला तो वह पत्नी को लेकर दिल्ली आकर उत्तम नगर रहने लगा, लेकिन यहाँ भी विजय अनीता से मिलता रहा। घटना वाले दिन राजेश लड़ाई कर रेलवे स्टेशन पर आ गया था। विजय व अनीता ने राजेश की हत्या की साजिश रची। दोनों बहाने से उसे शांतिवन ले गए। वहां गमछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।